अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी चने पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चना पुलाव किस तरह रेडी होता है और मैं आप लोगों से तरीका शेयर करूँगी आज। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। मैं आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप लोगों का चना पुलाव दाना एक एक अलग होगा चावल का, और खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1/2 kg वाइट चना जो मैंने रात को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे। जी तो 2 से 3 अदद हम लोगों ने प्याज को काट के रख लिया है। और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं मसाले। 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा, होममेड मसाला 1 tablespoon, लाल मिर्च 1 tablespoon, जीरा पाउडर 1 tablespoon और नमक हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करें आप लोग। और 1 tablespoon हल्दी पाउडर जाएगा। यहाँ पे हमने 1 cup ले लिया है कुकिंग ऑयल का। साथ ही साथ 2 से 3 अदद हमने टमाटर भी काट के रख लिए हैं। 3 से 4 अदद जाएंगे यहाँ पे ग्रीन चिली। जी तो यहाँ पे आ जाते हैं बासमती राइस। यहाँ पे राइस में ले रही हूँ 1 kg। जी जो राइस को मैं 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो भिगो के रख दूंगी। जी तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 cup कुकिंग ऑयल और फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल गर्म होने पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदर कटे हुए प्याज। जी तो प्याज को आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है। जी तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 tablespoon। तो लहसुन को भी आप लोगों ने अच्छे से जो है वो ऑयल में 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। इसकी खुशबू आने लग गई तो इसमें हम लोग आगे ऐड कर देंगे टमाटर और 2 से 3 अदद ग्रीन चिली। जी तो टमाटर और ग्रीन चिली को भी आप लोगों ने ऑयल में 1 मिनट के लिए कर लेना है फ्राई। जी तो अब हमारे इसमें जाएंगे मसाले। जी तो मसाले में एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, 1 tablespoon लाल मिर्च, नमक इसमें ज़रूरत है 1 tablespoon, यहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा, होममेड मसाला 1 tablespoon, जीरा पाउडर 1 tablespoon। तो मसाले ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसकी कर लेनी है भुनाई। हल्का सा पानी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं 1/2 cup, और इसको मसाले को अच्छे से रेडी कर लें लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अचार। अचार आप लोग ऐड करेंगे इससे आपके चने पुलाव में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जी तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया था, अब इसको फर्दर भूनने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल चने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि चनों को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था और उठते साथ सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर पे लगा दिया था।
जी, तो आफ्टर 10 मिनट्स मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जिसमें हमने चने बॉईल किए थे वो वाला पानी, आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। चनों की यखनी जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें चने, जी तो चनों वाला पानी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। जी तो चनों वाला पानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप लोगों ने यूज़ करना है। 1 kg राइस मैं बना रही हूँ तो मैं उसके मुताबिक इसमें पानी ऐड करूँगी। अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने चनों वाला पानी यूज़ करना है। तो फ्लेम को हम लोगों ने कर लेना है मीडियम टू हाई। जी तो इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने स्ट्रेन करके रख लिए थे 2 घंटे के बाद। इसमें अच्छे से चमचा हमने हिला देना है और चावलों को अब हम पका लेंगे इसमें। जी तो मीडियम फ्लेम पे रख के इसका पानी हम लोगों ने ड्राई कर लेना है। जी तो पानी इसका ड्राई हो चुका है, यहाँ पे मैं अब इसको रख दूँगी दम पे 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसको दम पे रख देंगे। जी तो आफ्टर 10 मिनट्स चना पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी साथ आप लोग देख सकते हैं कि एक एक दाना जो है वो खिला खिला है, और गर्मा गर्म से चना पुलाव मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है। जी तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के रेडी हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, पुदीना और धनिया की चटनी भी दही में रेडी कर ली थी, तो इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बन के रेडी हुई है। जी तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे तो याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ न्यू रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आखिरी बात, चना पुलाव इंजॉय करना मत भूलिएगा।